नमस्कार, स्टार्स किले में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, नए साल की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि नया साल कैसा रहने वाला आप सबके लिए। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों को इस वर्ष विवेक पूर्वक सोच समझ कर किए गए कार्य द्वारा अच्छा लाभ मिलेगा। वर्ष के प्रारंभ से ही कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं तथा अच्छा आर्थिक लाभ इस वर्ष मिलने की आशा है। यह वर्ष आपके लिए यात्राओं की अधिकता वाला रहेगा तथा यात्राओं के दौरान आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यह वर्ष आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में कर्तव्य निष्ठा का लाभ आपको प्राप्त होगा और स्वास्थ्य की स्थिति में भी विशेष सुधार होगा। पुराने मित्रों से मुलाकात के अवसर प्राप्त होंगे और भाग्य का विशेष सहयोग आपको मिलेगा, जिसके बल पर आप कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर लेंगे। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। इस वर्ष वाणी के अनियंत्रित प्रयोग के कारण पारिवारिक जीवन में कटुता का वातावरण बन सकता है। अपने अहम को एक तरफ रखें तथा संयम बरतना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अपनी तरफ से विवादों पर नियंत्रण रखने की चेष्टा करें। आत्मनियंत्रण रखना परिवार, समाज और रिश्तेदारी में आपका सम्मान बढ़ाने वाला साबित होगा। इसे आप अपनी बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। क्रोध और तनाव से बचें और मार्च के बाद जो है पारिवारिक स्थिति मुझे नियंत्रित होती दिख रही है, यानी कि वातावरण आपके अनुकूल होता हुआ दिखा दे रहा है। इस वर्ष प्रेमी जोड़ों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और एक दूसरे की भावना का सम्मान कर सकेंगे। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों को इस साल के अंदर में उनकी मनोकामना पूरी होगी, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। जून के बाद से वर्षांत तक आप कहीं ना कहीं आप एक बड़ा निवेश करेंगे। यदि आपके मन में घर या मकान खरीदने की इच्छा है, वाहन खरीदने की इच्छा है, तो ये सपना आपका सेकेंड हाफ में यानी कि साल की दूसरी छमाही में पूरी हो सकती है। आपको चाहिए कि जाकर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय उसकी गति पर आप नियंत्रण जरूर रखें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है और इस साल के बीच में आपको ध्यान देने की इस पर जरूरत होगी। अब बात कर लेते हैं शिक्षा और करियर की। यह वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता देने वाला रहेगा। जो युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, यह वर्ष उनके लिए सुखद समाचार देने वाला रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह वर्ष सफलतादायक रहेगा। नई नौकरी की तलाश में सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और उच्च अधिकारी वर्ग इस वर्ष आपसे प्रसन्न रहेगा। यह स्थिति आपकी पदोन्नति में मददगार साबित होगा। व्यवसायी वर्ग पुराने व्यवसाय के साथ साथ नवीन व्यवसाय अगर आप करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए उचित समय होगा और आप अपनी शुरुआत अच्छे से कर पाएंगे। इस वर्ष अच्छे लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आपको एक से अधिक आय के स्रोत प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। इस वर्ष आय में वृद्धि आपको मानसिक संतुष्टि देने वाली रहेगी। नौकरी पेशा और व्यवसायी वर्ग की आय में इस वर्ष जो है वो विशेष वृद्धि होती हुई दिख रही है और इसके अलावा आप खर्चे बढ़ चढ़ के कर पाएंगे। घर तथा वाहन की स्थिति में सुधार होगा और आप इस बार अपनी जरूरत के हिसाब से खर्चा कर पाएंगे, यानी कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में इस साल धन रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। इस वर्ष आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत होगी। अनावश्यक तनाव आप अपने ऊपर ना लें। यात्राओं के दौरान खान पान की सावधानी रखें और अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें। शारीरिक फिटनेस पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी और कोशिश करें कि आप अनिद्रा की स्थिति में न जाएं, अपनी नींद पूरी लें। इससे आपका स्वास्थ्य जो है वो फिट रहेगा। अगर मैं सामान्य उपायों की बात करूँ तो शनिवार के दिन जरूरतमंदों को खाद्य पदार्थ बांटें। जीवन साथी से विवाद ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। और अगर आप पक्षियों को अगर आप चारा डालते हैं, दाना डालते हैं, उन्हें पानी देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रदान करेगा। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.starstar.com पर विजिट कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, इससे हमारी आने वाली जो वीडियो है उनकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। मिलते हैं हम जल्दी ही एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।